ऑटो रिक्शा में पहले से अब घाटा क्यों होता है? हालांकि पहले भी लोग बिजनेस करते थे, पहले भी ऑटो चलाते थे, लेकिन पहले उतना नुकसान नहीं होता था जितना अब होने लगा है। सबसे ज़्यादा नुकसान इनका अब जा कर के फाइन में हो रहा है। जो सरकार की तरफ से काम करने वाले होते हैं, इन पे जो फाइन मारते हैं, ये इनको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। पहले लोगों के पास कैमरा नहीं था, ऐसा कोई डिवाइस नहीं था कि जिससे वो फाइन मार सके, चालान काटते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि फाइन मारना बिल्कुल आसान हो गया है। 1 किलोमीटर पे किसी ने एक फाइन मारा, फिर 4 किलोमीटर पे किसी ने फाइन मारा। सब रॉन्ग नहीं होते हैं, कभी कभी जो सही भी होता है उनके ऊपर भी फाइन हो जाती है। अब ये मैं ऑटो वालों की ही नहीं, हर एक गाड़ी वालों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 3-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, इनके ऊपर ज़्यादा फाइन अब लगने लगा है। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑटो रिक्शा वाले ही परेशान हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फाइन होता है। अगर मान लो आप कोई बाइक या एक्टिवा लेकर के जाते हो, कहीं खड़ी कर देते हो, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मान लो आप अपने परिवार को कुछ खरीदने के लिए, शॉपिंग के लिए लेके गए, या कुछ खिलाने के लिए लेके गए, या घूमने के लिए लेके गए, और आपने कहीं पर ऑटो रिक्शा खड़ी कर दी, तो उसके ऊपर तुरंत फाइन मार देते हैं। ना सोचेंगे, ना समझेंगे, ना जानेंगे, ना पूछेंगे, ना विचारेंगे, कुछ नहीं, सीधा फाइन मार देंगे। करना क्या है? कुछ नहीं, फोटो खींचा, ऑफिस में बैठ करके फाइन मार दिए। उसका रीज़न भी नहीं समझेंगे कि यहाँ पे ऑटो रिक्शा क्यों खड़ा है, क्यों आया है। एक पॉइंट को जेब्रा अगर गलती से क्रॉस हो जाता है तो उस पर सीधा फाइन मार देते हैं। सिग्नल मान लो अगर बंद होते होते अगर गाड़ी निकल रही है तो भी उस पर फाइन मार देते हैं। मतलब इतना फाइन मारना आसान हो गया है ना कि सीसीटीवी कैमरे से, उनके अभी तो नए नए डिवाइस आ गए हैं जो कि यहाँ पे भी लगा करके आराम से रिकॉर्डिंग होते रहता, वो क्यों ना खड़े रहे जगह पे, लेकिन रिकॉर्डिंग होते रहता आराम से, फिर वो जा करके आराम से फाइन मारते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर अब नुकसान हो रहा है ऑटो वालों का तो ये फाइन से ही हो रहा है। अब मान लो किसी के पास 1 बीवी और 3 बच्चे हैं और उसके पास एक ऑटो रिक्शा है। अब 3 बच्चे 1 बीवी यानी पीछे की सीट पे कितने होते हैं? 4 बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते खाली, लेकिन चौथा तो अलग से गाड़ी नहीं करेगा। मान लो अगर उसने गलती से उसमें बैठ भी गया, 4 पीछे बैठ गए और आप गलती से कहीं पे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने देख लिया तो सीधा कुछ नहीं बोलेंगे, फाइन मार देंगे। क्यों जा रहा है 4, कहाँ जा रहे हैं 4, उसके हुलिया से भी कुछ पता नहीं चलता, सीधा फाइन मार देंगे। तो ये फाइन मारना बहुत ईजी हो गया है। किसी की अगर गाड़ी कहीं खड़ी रहती तो भी सीधा फाइन मार देंगे, आते जाते घूमते फाइन मार देंगे। तो ये टारगेट के चक्कर में ऑटो रिक्शा वालों को ही लपेट लेते हैं, इसलिए ऑटो रिक्शा वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं। महीने का जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ जमा पूंजी बचता है, लास्ट में वो फाइन भरने में चला जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम है, क्यों नुकसान होता है। पैसे बहुत ये सब कमाते हैं लेकिन इनका नुकसान यहीं पे है। आजकल तो हर गाड़ी को बहुत समस्या हो गई, हर गाड़ी के ऊपर सीधा फाइन, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है, वो सीधा कुछ नहीं देखेंगे, फाइन। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है इनके ऊपर जो इतना फाइन पड़ रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसा किसी को भी तकलीफ ना दे। हो सकता है वो अपने घर पे ही जाता हो सकता है वो कुछ काम करने के लिए ही जाता हो अपनी गाड़ी लेके बिना वर्दी का, हो सकता है उसे कोई इमरजेंसी हो। तो अगर कोई जा रहा है तो ये फाइन ना मारे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही सब परेशानी की वजह से ऑटो वाले परेशान हैं, क्योंकि इन पे सीधा सीधा फाइन मारा जाता है बिना सोचे समझे, क्योंकि ये देने में बहुत ही अच्छे हैं, सीधा फाइन दे देते हैं, पूछते नहीं विचारते, क्योंकि इनका कोई सपोर्ट ही नहीं करता, इनके सवाल का कोई उत्तर नहीं और इनके उत्तर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बख्श दे, किसी को इतना फाइन ना मारे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।